अगर आप लोगों ने PUBG इंस्टेट के अंदर में 187 MB का अपडेट कर लिया है, उसके बाद भी आप लोगों को ऑप्टिमाइज वाली प्रॉब्लम आ रही है या फिर चलते चलते आप लोगों का गेम क्रैश हो जा रहा है, अचानक से गेम कट जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको ये दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हेलो एंड वेलकम है फिर सब सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस नई वीडियो में। सो गाइस अभी के ये वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं PUBG न्यू स्टेट के बारे में। एंड गाइस दो दिन हो गए PUBG न्यू स्टेट को आए हुए, लेकिन काफी सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी तो उनको ऑप्टिमाइज वाली प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी उनका गेम चलते चलते अचानक से क्रैश हो जाता है। अगर ये वाली सेम प्रॉब्लम आपके साथ में भी आ रही है तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देख लेना, आप लोग कंप्लीटली बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में आखिरकार आ क्यों रही है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग एक छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा जो कि है ऑप्टिमाइज। आप लोगों का गेम जो है वो ऑप्टिमाइज पर ही जाकर के क्यों रुक जा रहा है। ऑप्टिमाइज क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में अनुकूल। और इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आप लोग कोई भी चीज को परचेस करने जाते हो तो उससे पहले आप लोग देखते हो, मान लो आप लोग एक शर्ट बाय करने जा रहे हो, पहले आप लोग देखोगे कि वो लेडीज है, जेंट्स है, साइज क्या है, वो आपके आएगा या फिर नहीं आएगा, और अगर वो आपको आता है तभी आप लोग उसको परचेस करते हो। सेम टू सेम यही चीज गेम के अंदर भी होती है। यहां बेसिकली आप लोगों का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में ऑप्टिमाइज का प्रोसेस होता है। अगर वो उसके लिए अनुकूल होता है, ऑप्टिमाइज होता है, तभी वो उसको चलाता है, वरना नहीं चलाता है। और यहां पर सिंपल सी बात है, जो आप लोग का हार्डवेयर यानी कि जो आप लोग का मोबाइल फोन है वो आप लोगों का हार्डवेयर हो गया, और जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों का PUBG न्यू स्टेट हो गया। इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमाइज का प्रोसेस होता है, जहां पर आप लोगों का हार्डवेयर ये डिटेक्ट करता है कि जो आप लोग सॉफ्टवेयर रन कराना चाहते हो, जो भी गेम रन कराना चाहते हो, वो चीज आप लोगों के फोन के लिए ऑप्टिमाइज है या फिर नहीं है। अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं होती है तो इसी वजह से आप लोगों का गेम वहीं पर अटक जाता है, और अगर मान लो वो चीज ऑप्टिमाइज हो जाती है तो इजीली आप लोगों का गेम जो है वो रन हो जाता है, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब गाइस सबसे पहले मैं इधर आप लोगों को बताता हूं कैसे आप लोग इस चीज को फिक्स कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आज के दिन यानी कि 13 नवंबर को एक और अपडेट आया PUBG न्यू स्टेट के अंदर में। आप लोग जैसे ही गेम को ओपन करोगे इस तरह के एक अपडेट नोटिस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सिंपली अपडेट वाले आइकन पर क्लिक करना, उसके बाद में आप लोग गूगल प्ले स्टोर को चूज करना और सीधा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में जाकर के ये वाले अपडेट को आप लोग अपडेट कर लेना। और गाइस ये वाले अपडेट के अंदर में भी इन्होंने छोटे मोटे ग्लिच बग जो कुछ भी गेम के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे थे, जिस वजह से आपका गेम क्रैश हो रहा था, वो इन्होंने इधर फिक्स कर दी है। सबसे पहले आप लोगों को PUBG न्यू स्टेट को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना है, और आप लोगों का गेम क्रैश होने के पीछे या फिर आप लोगों का जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोग के मोबाइल फोन में हो सकता है स्टोरेज स्पेस बिल्कुल भी ना हो। हमेशा आप लोग कोशिश किया करो कि अपने फोन में फालतू की चीजों को डिलीट करके रखो, यानी कि जो मेन चीज है वही अपने फोन में रखो, एंड ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज को खाली रखा करो। इससे आपका फोन जो है वो लैग कम होता है, हैंग कम होता है, मस्त चलता है एकदम। और गाइस एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, PUBG न्यू स्टेट को अगर आप लोगों ने किसी और थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड कराया तो वो चीज में भी हो सकता है आप लोगों का गेम क्रैश होता रहे बार बार। इसलिए आप लोग सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना और लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लेना। सबसे पहले आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप लोग जैसे ही चैनल पर जाओगे तो यहां पर आप लोगों को मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखनी है। इसके अंदर मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बताया कि जो PUBG न्यू स्टेट है उसे चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए आप लोगों के डिवाइस में, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को ये वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस वाले चैनल पर मैं PUBG न्यू स्टेट से रिलेटेड काफी सारी वीडियो डालता रहता हूं। ये सब करने के बाद तो गेम आप लोगों का इजीली चली जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोग गेम चलते चलते क्रैश होता है तो आप लोग कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को PUBG न्यू स्टेट के सेटिंग वाले सेक्शन में जाना है। यहां आने के बाद आप लोग ग्राफिक को सेलेक्ट करना है, एंड जो ग्राफिक की क्वालिटी है उसको आप लोगों को अल्ट्रा पर नहीं रखना है। अगर अल्ट्रा पर रखोगे तो गेम काफी ज्यादा लैगी हो जाएगा, आप लोग इसको सिंपली लाइट पर रखना। उसके बाद आप लोग जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो फ्रेम रेट है इसे आप लोग मैक्स पर भी रख सकते हो, और अगर मैक्स पर लैग करता है तो आप लोग इसको वेरी हाई पर भी रख करके चला सकते हो। इसके अलावा गाइस आप लोग एक फीचर मिलता है एंटी अलियासिंग वाला, अब इसको आप लोग को ऑफ रखना है। अगर आप लोग इसको ऑन रखोगे, और ऑन तभी रखना जब आपके फोन में ज्यादा रैम है, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूर का जो एरिया होता है ना वो आप लोग को पहले ही रेंडर होकर के दिख जाता है, लेकिन अगर आप लोग इसको ऑफ रखोगे तो दूर का जो एरिया वो थोड़ा सा आप लोग को ब्लरिश नजर आएगा। तो एक बार आप लोग इसको भी ऑफ करके खेल के देखना, आप लोग को अंदाजा पता चल जाएगा कि लैग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लास्ट में बात आती है ग्राफिक API की। अब यहाँ पर सबसे मेन सेटिंग आप लोगों को करनी है, अगर आप लोग का डिवाइस वोल्केन को सपोर्ट करता है तब तो आप लोग वोल्केन पर रखो, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग का डिवाइस लैग कर रहा है तो आप लोग इसको सिंपली OpenGL पर सिलेक्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आप लोग का डिवाइस में कोई भी किसी भी तरह का लैग नहीं आएगा। और गाइस यहाँ पर ये PUBG न्यू स्टेट वाले ही रिकमेंड करते हैं आप लोगों की, आप लोगों के डिवाइस में अगर वोल्केन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप लोग OpenGL को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस इधर मैं आप लोग एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग जो PUBG न्यू स्टेट है ना, BGMI और PUBG मोबाइल दोनों से बहुत ज्यादा हाई है ग्राफिक के मामले में, इसी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि BGMI PUBG इजीली चल जाते हैं, लेकिन ये वाला गेम चलने में इसलिए दिक्कत ले रहा है क्योंकि इसके ग्राफिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा ऊपर है। तो चलिए गाइस अभी के ये वीडियो के अंदर में सिर्फ इतना था। आई होप आप लोग को अब इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं उसके लिए फिर कुछ ना कुछ आप लोग का जुगाड़ ढूंढूं। तो चलिए गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।